प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपकी गर्भावस्था रुकी है या नहीं, आप प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं। दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी का पहला महीना यानी कि ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद आपके जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हमारा गर्भ रुका है या नहीं, हमारा बच्चा कंसीव हुआ है या नहीं। काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं पीरियड के बाद ही इसको टेस्ट करते हैं। जैसे ही पीरियड मिस होगा, कुछ महिलाएं टेस्ट करती है, लेकिन कुछ महिलाएं ओव्यूलेशन के जस्ट बाद वेट नहीं कर पाती है और वो टेस्ट कर लेती हैं। ज़्यादातर टेस्ट ब्लडिंग रिपोर्ट से पता चलता है, या तो यूरिन टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं। दोस्तों, जो इर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होती है, वो ज़्यादातर पीरियड मिस होने के बाद ही आपको पता चलती है, जिससे कि आप कंफर्मेशन लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, आपका गर्भ ठहरता है, आपके पेट के दाहिने, बाएं या निचले या ऊपरी चारों में से कोई भी हिस्से में आपको हल्का दर्द हो सकता है। ये दर्द आपको मीठा सा प्यारा सा होने लगता है, जो कि आपके बच्चे के रुकने के ही कारण होता है। जैसे कि पीरियड में दर्द होता है, वैसे ही दर्द होता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस दौरान आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का ब्लडिंग भी आ सकता है, जो कि दिन में 3-4 बूंद या तो 1 घंटे के अंतराल में 3-4 बूंद, ऐसे करके 2 दिन आपके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ सकता है, जो कि पीरियड नहीं है, क्योंकि पीरियड में कंटिन्यूसली आपको ब्लडिंग आता है, थक्का की तरह आता है, लेकिन ये जो ब्लडिंग होता है हल्का लाइट पिंक कलर का होता है, जो कि आपको ब्लडिंग आता है, ये आपको आपके गर्भ ठहरने के बाद दिखाई देता है। आप इसे पीरियड समझने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लडिंग आना नॉर्मल बात होती है। नेक्स्ट संकेत से जान सकते हैं आपके ब्रेस्ट के बदलाव से। आपका ब्रेस्ट का जो निप्पल वाला पार्ट है, ज़्यादा ब्लैक दिखाई देगा। आपका निप्पल पहले के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लचीला नज़र आता है। ब्रेस्ट में भारीपन लगता है, इससे भी आप ये जान सकते हैं कि आपका गर्भ ठहर चुका है। जैसे ही गर्भ ठहरता है, आपके ब्रेस्ट में बदलाव आता है, हल्का दर्द हो सकता है। नेक्स्ट संकेत की बात करें तो आपके बॉडी टेम्परेचर से भी आप ये जान सकते हैं कि आपका गर्भ ठहर चुका है। दोस्तों, जैसे ही गर्भ ठहरता है, आपके जो शरीर का टेम्परेचर होता है पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। आपको हल्का बुखार, फीवर की तरह महसूस हो सकता है। आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपके मूड में काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि थकान होना, उल्टी लगने जैसे लगना, या तो उल्टी लगना, चक्कर लगना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें खाने की क्रेविंग होना, आपके मूड स्विंग होना, ये काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हैं जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। जैसे ही आप गर्भवती होते हैं, आपके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, काफ़ी सारे हार्मोन उत्तेजित होने लगते हैं, जिससे कि आपको थकान भी महसूस हो सकता है, आपका मन चिड़चिड़ा भी हो सकता है। तो ये सारे ऐसे सिम्टम हैं जिससे कि आप ये जान पाएंगे कि आपका गर्भ ठहर चुका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने गर्भ धारण कर लिया होगा, आपके गर्भ में आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।